हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कुछ लोग नहीं जानते। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको हर एक टूरिस्ट प्लेस की सैर करवाएंगे। दोस्तों, आज हम भारत की एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ दुनिया के सबसे बड़े कछुए पाए जाते हैं, और यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर डुगोंस यानी कि समुद्री गाय पाई जाती है। और क्या आपको पता है कि यह एक ऐसी जगह है जिसकी तस्वीर भारतीय रुपए 20 के नोट पर छपी हुई है। यही नहीं दोस्तों, यह एक ऐसी जगह है जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाता था। और क्या आपको पता है कि भारत में हनीमून के लिए यह जगह एक अच्छी डेस्टिनेशन मानी जाती है। तो दोस्तों, जानेंगे कई ऐसी रोचक जानकारियां जो इस जगह से जुड़ी हुई है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय आइलैंड अंडमान निकोबार के बारे में। 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला यह आइलैंड भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आता है। यहाँ की आबादी लगभग 3,80,000 है। और दोस्तों, अंडमान निकोबार 572 आइलैंड का एक समूह है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन से आइलैंड पर घूमने के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में कि आपको कहां कहां घूमने के लिए जाना चाहिए और कितना खर्च आएगा। दोस्तों, इस द्वीप का नाम दो शब्द अंडमान और निकोबार से मिलकर बना है, जिसमें अंडमान शब्द हनुमान से लिया गया है जो कि हिंदुओं के देवता है, और निकोबार शब्द साउथ इंडिया के नकवरम शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है नंगे लोगों की भूमि। और इसे नंगे लोगों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक जारवा नाम की जनजाति रहती है जो कि सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड है और उनके पास कोई भी नहीं जा सकता। और दोस्तों, यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा हिंदी, मलयालम, बंगाली, तेलुगु और अंडमान क्रेओले है। दोस्तों, इस आइलैंड पर तीन तरह की कछुओं की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए की प्रजाति भी शामिल है। दोस्तों, अंडमान निकोबार में एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी मौजूद है जहां पर जाना मौत को दावत देना है। जी हां दोस्तों, वहां पर एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जो बाहर से आए हुए इंसानों को देखते ही जान से मार देती है। यह जनजाति बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इनका संपर्क बाहरी दुनिया से हो। दोस्तों, इस पर हमने एक पूरा डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, वह भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तल में आपको ड्यूगोंग नाम की एक समुद्री गाय देखने को मिलेगी, और व्हेल मछली की तरह दिखने वाली यह समुद्री गाय अन्य व्हेल मछलियों की तरह दूसरी छोटी मछलियों को नहीं खाती, बल्कि समुद्री तल में पाई जाने वाली समुद्री घास से ही अपना पेट भरती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े केकड़ों की प्रजाति भी इसी आइलैंड पर पाई जाती है, जिसे रोबर क्रेब और कोकोनट क्रेब भी कहते हैं। दोस्तों, इन केकड़ों को कोकोनट क्रेब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही सख्त नारियल के अंदर छेद करके उसके अंदर का गूदा खाते हैं। दोस्तों, आपने लावा वोल्केनो तो देखे ही होंगे, लेकिन आपने कीचड़ के वोल्केनो शायद ही देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के भरतंग आइलैंड पर आपको कीचड़ के वोल्केनो भी देखने को मिलेंगे जो भारत के इकलौते मड वोल्केनो है। इसके साथ ही यहाँ पर भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भी आपको बैरन आइलैंड पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपने सी प्लेन तो देखे ही होंगे जो हवा में भी उड़ते हैं और समुद्र पर भी तैरते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का पहला कॉमर्शियल सी प्लेन जल हंस अंडमान निकोबार आइलैंड से ही 2013 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इन्हीं आइलैंड पर कुछ चूने के पत्थर की गुफाएं भी मौजूद है जिन्हें डिगलीपुर की गुफाएं कहा जाता है, और इन गुफाओं की खास बात यह है कि यह हर मानसून के बाद अपना आकार बदल लेती है। इनके आकार बदलने के पीछे का कारण केमिकल प्रोसेस है, और इन्हीं गुफाओं में एक छोटा सा पक्षी भी पाया जाता है जो अपने स्लाइवा से अपना घोंसला बनाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका यह घोंसला खाने के काम में भी लिया जाता है, जिसकी कीमत लाखों में है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप जाएंगे इस आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर, जहां पर एक एयरपोर्ट बना हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां जाने का एकमात्र तरीका फ्लाइट ही है, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह के जहाज, ट्रेन और गाड़ियां नहीं जाती। दोस्तों, इसी पोर्ट ब्लेयर में आपको देखने को मिलेगी सेलुलर जेल, जिसे अंग्रेजों ने 1896 से 1906 के बीच में बनाया था,
और इस जेल को काले पानी की जेल भी कहा जाता है। और अंग्रेज इस जेल का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखने के लिए करते थे। दोस्तों, इस आइलैंड के चारों तरफ समुद्र होने के कारण कोई भी कैदी यहां से भाग नहीं सकता था। और इसी पोर्ट ब्लेयर में आपको रात के समय में एक नाइट शो देखने को मिलेगा जो स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है। और यहां पर एक म्यूजियम भी स्थित है जो अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान दर्शाता है। दोस्तों, एक दिन बिताने के बाद यहां से आप जाएंगे हेवलॉक आइलैंड पर। यहां से हेवलॉक आइलैंड पर आपको एक क्रूज के द्वारा जाना होगा और हेवलॉक आइलैंड पहुंचने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, यह आइलैंड मौज मस्ती करने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। यहां पर आप अंडर वाटर डाइविंग, सी वॉक और स्नॉर्कलिंग का भी मजा ले सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर एक राधानगर बीच भी मौजूद है जिसे एशिया का सबसे अच्छा बीच माना जाता है। इन बीचेस का पानी इतना साफ सुथरा है कि आप पानी के पार समुद्र तल को भी देख सकते हैं। यहां पर एक काला पत्थर बीच भी मौजूद है जो कि सनराइज के लिए काफी मशहूर है। तो दोस्तों, पूरा दिन हेवलॉक आइलैंड पर बिताने के बाद आप अगली सुबह काला पत्थर बीच का सनराइज देखकर यहां से निकलेंगे नील आइलैंड के लिए, जहां पर आपको एक क्रूज से ले जाया जाएगा। दोस्तों, नील आइलैंड पर पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे के दौरान आप इस क्रूज का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड पर आपको लक्ष्मणपुर 1 और लक्ष्मणपुर 2 बीचेस देखने को मिलेंगे, जिनमें से लक्ष्मणपुर 2 बीच मूंगी की चट्टानों के लिए काफी फेमस है। और इन बीचेस का पानी भी अन्य बीचों की तरह ही मोती के जैसा साफ है। और इस आइलैंड पर एक तीसरा बीच भी मौजूद है जिसे भरतपुर बीच भी कहते हैं। इस बीच पर आपको छोटी मोटी स्टॉल भी देखने को मिल जाएगी जहां से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और इसी भरतपुर बीच के आसपास जारवा जनजाति रहती है जिनसे मिलना सरकार द्वारा बैन किया गया है। यह फैसला टूरिस्ट और इस जनजाति दोनों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। दोस्तों, 2 दिन इस आइलैंड पर बिताने के बाद आप यहां से वापस पोर्ट ब्लेयर जाएंगे और पोर्ट ब्लेयर से सीधा अपने घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप डिजिटल पेमेंट पर विश्वास रखते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखने की बात है कि बहुत सी ऐसी जगह है जहां आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड पर नेटवर्क की समस्या बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने जेब में कैश पेमेंट लेकर ही जाएं। दोस्तों, अब आपने अंडमान निकोबार घूमने का मन बना ही लिया है तो हम आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ गर्मियों के मौसम में जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह हनीमून के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर कपल का 5 से 6 दिन का खर्च लगभग 80 से 90 हजार रुपए आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यहां तक पहुंचे गए हैं तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।